हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे। मैं दीनदयाल, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ऑलरेडी आप क्वेश्चन नंबर 34 तक कर चुके हैं, या आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। जो 34 तक क्वेश्चन तक नहीं देखे हैं वो आप लोग क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा, तब इसको आप लोग देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे देता हूँ, उसमें जाकर के आप बड़े ही आराम से उन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी और बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर प्रॉपर्टी लगने वाली है। जो लोग प्रगुण नहीं पढ़े होंगे, मैं साथ साथ उनको भी बताते चलूंगा कि किस प्रॉपर्टी का हम लोग यहां पर यूज करेंगे और वो प्रॉपर्टी यूज करने से क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा और ये 2004, 2009 और 2017 तीन बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये फिर से कुछ एग्जाम में पूछे जाने की इसकी संभावना बनी हुई है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, कैसे मानते हैं, माना इसको आप आई लेट कर लेंगे, ठीक है। आई लेट करके 0 to π/2 और कितना स्टूडेंट्स, log tan x dx, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, या आप सिंपल सा इसको आई लेट लीजिए, बाद में जीरो आ ही जाएगा, ठीक है। 0 to π/2 log tan x को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में सबको आई होगी। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टी स्टूडेंट, 0 to a f(x) dx जो होता है स्टूडेंट्स, वो 0 to a f(a−x) dx के इक्वल होता है। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पर आप नीचे लिख भी दिया करिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, क्या लिखेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a−x) dx, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स। जब इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा i इज इक्वल टू 0 to π/2 log tan, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, π/2 − x, यहाँ पे आपको लिखना होगा π/2 − x dx, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान समझते चलिएगा आप लोग, ये देखिए यहाँ पे tan π/2 − θ क्या होता है, cot थीटा होता है, तो लिख दीजिए i इज इक्वल स्टूडेंट्स आपको मिलेगा 0 to π/2 log cot x एंड dx, इसको हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड लेट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ते हैं और देखते हैं हमको मिलता क्या है, i और i, ठीक है, ये i और ये i दोनों ऐड होंगे, कितना i हो जाएगा, 2i हो जाएगा, देखते हैं आराम से, 2i यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा और इक्वल होगा यहाँ से 0 to π/2 और उसके बाद log tan x dx, ठीक है, प्लस 0 to π/2 log cot x एंड dx, ठीक है। अब ये देखो सेम लिमिट लगी हुई है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे और जब दोनों ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log tan x और प्लस में log cot x और पूरे का dx, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो आप लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 और log tan x स्टूडेंट्स इंटू में कितना, cot x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ आगे लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स आपको मिलेगा 0 to π/2 और यहाँ पे आपके पास बचेगा कितना, log tan x और cot x को हम 1/tan x लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ से tan x कैंसिल हो गया, ठीक ना। कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट्स आपको मिल गया 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 और log 1। अब सबको पता है कि log 1 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 होती है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो आपको मिला 2i इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू 0 और i आपने लेट किसको किया था स्टूडेंट्स, यही तो लेट किए थे, तो इसका मतलब ये है कि आपको मिल गया 0 to π/2 log tan x dx जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तीन बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आप लोग नोट करें और क्वेश्चन आपको समझ में आए कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तब तक आप अपनी बढ़िया तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।